बीटा डीके के अंदर ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन को कन्वर्ट कर लेता है, मतलब न्यूट्रॉन अपने आप को प्रोटॉन में बना लेता है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। आपको ये क्या बात बनी? न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो अलग अलग एंटिटी है, ऐसा नहीं होता। जब एक न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो इस प्रोसेस को बीटा डीके बोलते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इफ न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड विद मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैन नीडेड फॉर इट्स स्टेबिलिटी, तो न्यूट्रॉन विल गेट कन्वर्ट इट सेल्फ इन टू प्रोटोन टू मूव टूवर्ड स्टेबिलिटी। वो क्या कह रहे हैं? होता क्या है कि मान लो एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस में मान लो 100 प्रोटॉन्स हैं, इमेजिन करना है, इतने हो नहीं सकते, 100 प्रोटॉन्स हैं और मान लो दो दो न्यूट्रॉन्स हैं। और स्टेबिलिटी के अंदर हमने वो ग्राफ चेक किया था, एन और जेड की रेशियो बिल्कुल बीच में होनी चाहिए थी, तो स्टेबिलिटी ऐसे हो नहीं सकती कि एक क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है और एक कम है, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर प्रोटोन 100 है और न्यूट्रॉन मान लो 2 है तो रेशियो अनइक्वल रेशियो है, काफ़ी अनइक्वल रेशियो है, तो ये न्यूक्लियस पक्का ब्रेक होगा ही होगा। और ब्रेक करके जो फालतू प्रोटॉन्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ताकि न्यूट्रॉन्स की अमाउंट बढ़ जाए, प्रोटॉन्स की घट जाए। लेकिन उल्टा भी ट्रू है, अगर आपके न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं प्रोटॉन्स से तो फिर भी अनस्टेबल है, तो वो फिर से टूट जाएगा और इस बार न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे ताकि वो स्टेबल हो जाए नया न्यूक्लियस। तो यही बता रहा है कि इसके अंदर इफ न्यूक्लियस इज फॉर्म विद मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैन रिक्वायर्ड फॉर इट्स स्टेबिलिटी, तो न्यूट्रॉन्स प्रोटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिमिलरली न्यूक्लियस फॉर्म विद मोर नंबर ऑफ प्रोटोन्स, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? न्यूट्रॉन्स में, ताकि नया न्यूक्लियस स्टेबल हो जाए। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर दो चीजें हो सकती हैं बीटा के अंदर। वो कह रहे हैं कि अगर मान लो न्यूट्रॉन्स ज्यादा थे और वो प्रोटोन्स में कन्वर्ट हो गए, न्यूट्रॉन्स ज्यादा थे प्रोटोन से न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस टूट गया और वो प्रोटोन्स में कन्वर्ट हो गए, तो ये देखो न्यूट्रॉन्स जो थे, वो न्यूट्रॉन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो एक इसमें पार्टिकल बाहर निकलेगा जिसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इस इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल बोलते हैं या बीटा नेगेटिव बोलते हैं। बीटा नेगेटिव का मतलब E0-1, इसका मतलब होता है E0-1, ये बीटा पार्टिकल है ये रहा। तो अगर आपके पास कोई भी एक्स न्यूक्लियाइड है, इसमें से अगर आप बीटा नेगेटिव पार्टिकल बाहर निकला, इसको बीटा नेगेटिव बोलते हैं। बीटा नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन, E0-1। तो यहां से वाई निकलेगा जिसमें ए में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जेड जो है +1 हो जाएगा। और एक और पार्टिकल साथ में निकलता है जिस पार्टिकल को बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। इसके ऊपर क्वेश्चन आते नहीं है, पूछे भी नहीं जाते फिजिक्स में, पर वैसे बता दिया गया है कि एंटी न्यूट्रिनो इज सपोज टू हैव अ जीरो रेस्ट मास, इसका कोई मास नहीं है फोटोन की तरह और चार्ज भी नहीं है, पर इसका स्पिन क्वांटम नंबर +-1/2 है। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, बस ये पता होना चाहिए कि बीटा नेगेटिव डीके क्या होता है। बीटा नेगेटिव, बीटा पार्टिकल मीन्स बीटा नेगेटिव डीके में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पेपर में आएगा कि मान लो आपके पास एक्स पार्टिकल है ए जेड, तो बताओ इसमें बीटा नेगेटिव पार्टिकल बाहर निकला, बीटा नेगेटिव का मतलब E0-1 बाहर निकालना है, तो वाई का ए और जेड क्या होगा? ए में कोई चेंज नहीं होगा और जेड विल बी इंक्रीज बाय 1। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट है, अगर मान लो उल्टा प्रोसेस है जिसमें प्रोटॉन ज्यादा है तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोटॉन ज्यादा है तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में क्या निकलेगा? बीटा पॉजिटिव। बीटा उसको इलेक्ट्रॉन बोलते थे, बीटा नेगेटिव पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन बोलते थे, और बीटा पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन निकलेगा। पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या था? E0-1, पॉजिट्रॉन का E0+1, तो मतलब बीटा पॉजिटिव। तो पेपर में गिवन होगा बीटा नेगेटिव डिके करना है कि बीटा पॉजिटिव डिके करना है, और अगर कुछ भी ना गिवन, सिर्फ बीटा डिके है, तो बीटा नेगेटिव डिके करना है, पॉजिटिव नहीं करना। फिर बीटा बाय डिफॉल्ट बीटा नेगेटिव होता है, पर अगर मेंशन कर दिया बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव, तो फिर यहां करना पड़ेगा। अगर बीटा नेगेटिव है तो पार्टिकल E0-1 होगा, बीटा पॉजिटिव है तो पार्टिकल E0+1 होगा। तो इसके अंदर ये पार्टिकल निकलेगा, जैसे आपको कहेगा कि एक्स पार्टिकल है, एक्स न्यूक्लियस है, और इसमें से बीटा पॉजिटिव डीके कर दो तो वाई निकलेगा, ए की वैल्यू विल रिमेन सेम, और जो जेड है वो क्या हो जाएगा? जेड प्लस, जेड की जगह Z-1, क्योंकि ये 1 है। तो ये आपको ये नंबर याद करने की कैसे हैं। और इसमें एक पार्टिकल एंड में और निकलता है जिसको न्यूट्रिनो बोलते हैं।
20 न्यूट्रिनो निकालता है, ये बीटा पॉजिटिव न्यूट्रिनो निकालता है, पर इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते। तो हमने अभी क्या किया, पहले हमने क्या किया था, अल्फा डीके हीलियम 4 4 2 निकालना, फिर हमने किया बीटा नेगेटिव डीके, फिर हमने किया बीटा पॉजिटिव डीके, बीटा पॉजिटिव डीके। अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस न्यूक्लियस कैप्चर्स वन ऑफ द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स, के शेल के इलेक्ट्रॉन जो आसानी से हाथ नहीं डलता जिसके ऊपर, तो न्यूक्लियस क्या करता है, उसको कैप्चर कर लेता है, उसको उठा लेता है, और जब उसको उठाता है और अपने अंदर प्रोटोन के साथ उसको कंबाइन कर लेता है, तो प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं और क्या बन जाता है, न्यूट्रॉन बन जाते हैं। तो इसके अंदर प्रोटोन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है, तो प्रोटोन के साथ कंबाइन होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बन जाता है। तो इसके अंदर एक और पार्टिकल निकलता है जिसको न्यूट्रिनो बोलते हैं। इस प्रोसेस में जैसे एक्स न्यूक्लियाइड है, इसने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, तो इसका जेड विल बी डिक्रीज बाय 1। वो कहेगा इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके दिखाओ, इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब E0-1 है। यहाँ पर अगर नंबर लिखना है तो लिख भी सकते हो, इलेक्ट्रॉन का मतलब E0-1 है। इसका मतलब एटॉमिक नंबर Z-1 हो जाएगा, एटॉमिक मास नंबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, तो ये याद रखना है। अब वो कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाता है, उसको उठा लिया जाता है केशल में से, तो ऊपर के इलेक्ट्रॉन उसकी जगह लेते हैं, और जब जगह लेते हैं तो एक्साइट होकर नीचे गिरते हैं, जगह मिल जाती है, एनर्जी को रिलीज करते हैं, और एनर्जी जो रिलीज होती है वो किस फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेस। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, एक आम चलता फिरता प्रोसेस नहीं है कि आपने इलेक्ट्रॉन कैप्चर करवा दिया, आसान नहीं है, इसके लिए मशीन चाहिए। और ये किस तरीके से करता है, एक्सरे मशीन भी काम करती है, इलेक्ट्रॉन उठा देती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर नीचे गिरता है, एक्सरेज की जनरेशन हो जाती है। पर इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोलते हैं। तो पहले हमने क्या किया, अल्फा डीके बीटा नेगेटिव डीके बीटा पॉजिटिव डीके, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, और लास्ट है गामा रेस, गामा डीके या गामा रेस। गामा रेस क्या होता है, गामा रेस के अंदर ये पूरी थ्योरी में एक ही लाइन समझा रखी है, बता देता हूँ, दो मिनट में काम ही खत्म हो जाता है। जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स की कोई एनर्जी है, वो उनकी भी कोई एनर्जी होती है न्यूक्लियॉन्स की, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स की। अब अगर मैं उनको एनर्जी दूं, न्यूक्लियॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा है, न्यूक्लियॉन्स की बात कर रहा हूं, अगर मैं न्यूक्लियॉन्स को एनर्जी दूं तो वह एक्साइट हो जाएंगे और एक्साइट होकर नीचे गिरेंगे जैसे इलेक्ट्रॉन गिरता है। पर प्रॉब्लम यह है कि ये एक ईजी प्रोसेस नहीं है, तुम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को तो एनर्जी दे के बहुत आसानी से ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन तुम न्यूक्लियॉन्स को जल्दी जल्दी नहीं कर पाओगे, आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ती है न्यूक्लियॉन्स के की एनर्जी को हाई करके, हाई करने में। अब ये एक आसान प्रोसेस नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस ये बताता है गामा डीके कि जब एक न्यूक्लियस टूटता है और दो नए न्यूक्लियस बनते हैं, तो जो दो नए न्यूक्लियस बनते हैं उनके न्यूक्लियॉन्स बाय डिफॉल्ट हायर एनर्जी स्टेट पे बन के आते हैं, बाई डिफॉल्ट नेचर का लॉ है, उनको मैंने एनर्जी दी नहीं, वो बाई चांस जब बड़ा न्यूक्लियस छोटे में टूटता है, छोटे के न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी बाई डिफॉल्ट ही बड़ी होती है। अब वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, लोअर एनर्जी शेल पे आते हैं, और जैसे ही वो लोअर पे गिरते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करते हैं, और एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज करते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज क्या है, गामा रेज बाहर निकालते हैं। तभी तो मैंने ईएम वेव में सिखाया था कि गामा रेस का ओरिजिन क्या है, तो क्या लिखते थे, न्यूक्लियर ओरिजिन, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर से निकल के आती हैं, तो यही तो लिखा हुआ है। इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में न्यूक्लियॉन्स ऑक्यूपाई सच क्वांटम स्टेट्स विच मिनिमाइज टोटल एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। तो ग्राउंड स्टेट में न्यूक्लियॉन्स कम एनर्जी को ऑक्यूपाई करके रखते हैं ताकि अपने आप को स्टेबल रखें। हाउएवर हायर एनर्जी स्टेट्स आर अवेलेबल, जबकि हायर एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल रहती हैं, और अगर मैं एनर्जी को सप्लाई करूं तो न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स अपनी एनर्जी को हाई कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं एनर्जी डिफरेंस इन अलाउड एनर्जी लेवल आर जनरली लार्ज, वो इतनी इतनी लार्ज एनर्जी रिक्वायर्ड है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे
कि हम उन न्यूक्लियॉन्स को एक्साइट नहीं करवा सकते। तो कह रहे इट इज देयरफॉर डिफिकल्ट टू एक्साइट द न्यूक्लियस टू हायर एनर्जी लेवल, हमारे बस में तो नहीं है। हाउएवर व्हेन अल्फा या बीटा डिके टेक्स प्लेस, जब अल्फा बीटा डिके निकलता है, जब अल्फा निकला बीटा अभी हमने किया, जब यह प्रोसेस होता है तो यानी कि एक न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक होता है, तभी तो अल्फा बीटा डिके हुआ। और जब ऐसा हुआ तो जो न्यूक्लियाई बनता है उसको डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं बोलते हैं। डॉटर न्यूक्लियस आर जनरली फॉर्म्ड इन वन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट, वो बाय डिफॉल्ट एक्साइटेड स्टेट में ही निकलती हैं। सच न्यूक्लियस इज एन एक्साइटेड स्टेट इवेंचुअली कम्स टू द ग्राउंड स्टेट, तो वो एकदम जब नया नया बन के आता है तो ग्राउंड स्टेट पे अपने आप को लेके आते हैं न्यूक्लियस, और इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर फेंकते हैं, और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या बोलते हैं, गामा रेस। तो गामा रेस निकलते हैं फोटॉन्स की फॉर्म में निकलते हैं। तो लैम्डा गामा रेस की क्या है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन क्या होती है, एच इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, लैम्डा इज एच सी बाई ई। इस प्रोसेस को न्यूक्लियस कमिंग डाउन टू द लोअर एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं, कौन सा डीके हो गया, गामा डीके हो गया।